दोस्तों ये है मेटेलिक रेड कलर में यमहा R15 V3, और ये आप जो मॉडल देख रहे हैं ये 2021 मॉडल का एकदम नया कलर है जिसे हमने मेटेलिक रेड अभी बोला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको तीन कलर और भी मिल जाएंगे शोरूम में, जिसमें आपको एक ग्रे कलर होगा, एक रेसिंग ब्लू कलर होगा और एक आपको जो है डार्क नाइट एडिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये चौथा कलर भी है। तो आप कमेंट में सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि इसका प्राइस क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं, फीचर्स वगैरह क्या हैं। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस से शुरुआत करता हूं। आपको बता दूं कि लगभग 156,600 यानी कि 156,600 के करीब इसकी एक्सोरूम प्राइस चल रही है। अगर आप यूपी के किसी शहर में है, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में है, तो लगभग यही एक्सोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी इसी के आसपास। और मैं अगर एक्सोरूम के अलावा अगर ऑन रोड की बात करूँ, मतलब कंप्लीट कागज वगैरह कंप्लीट करने के बाद, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको इसका कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मेरा इंट्रो है, इसे आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जियाड़ी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अंतर से लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं। इसमें आपको डुअल हॉर्न मिलता है, तो अगर आप हॉर्न का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉपर साउंड देखने को मिलेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच की सुविधा उपलब्ध है। जितने भी भाई लोग हैं जिन्हें स्लीपर क्लच नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूँ कि अगर आप पाँचवें छठवें गियर पर होते हैं, अच्छी खासी स्पीड में होते हैं, अचानक से आपको पहले या दूसरे गियर में आना होता है, तो अगर आप नॉर्मल बाइक से पहले दूसरे गियर में आएंगे तो अचानक से आपको झटका महसूस होगा, प्लस आपकी बाइक आवाज़ भी करने लगती है। लेकिन स्लीपर क्लच की जैसे आप डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, आपको ये सब समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो ब्रेकिंग को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, R15 की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। मैं खुद इस बाइक को बहुत ज़्यादा राइड करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बड़ी साइज़ में डिस्क मिलता है, जिसकी साइज़ 282 यानी कि 282 mm रखी गई है, और इसमें आप ABS की चैन भी देख पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, तो फ्रंट डिस्क में और रेयर डिस्क में दोनों में आपको ABS की चैन मिल जाएगी। जो आगे वाला पहिया, आगे वाला टायर आप देख रहे हैं, ये लगभग 100/80 यानी कि 100/80 का है, और ये 17 यानी 17 इंच का ये ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर सस्पेंशन है जो कि आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके मेन प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आप ग्राफिक वगैरह के बारे में तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक जो है नया कलर है 2021 में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि तीनों कलर के अलावा अगर ये चौथे कलर की मैं बात करूँ तो ये आपको कितना बेहतर जो है लग रहा है, आप बताइएगा ज़रूर। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए मैं अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ही रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फुली LED कंसोल आपको मिलता है। थोड़ी बहुत शिकायत इसके फ्रंट प्रोफाइल से आती है कि जो इसका मेन हेडलैम्प है, भले फुल LED है लेकिन विजिबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी शिकायत इससे आती है। थोड़ी क्या, मतलब काफ़ी कंप्लेंस आती हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप ही लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं जो R15 यूज़र हैं और वो कमेंट में ही आकर ये बात बोलते हैं कि इसकी आगे की हेडलाइट से उन्हें समस्या महसूस होती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा विंडशील्ड मिल जाता है, और R15 लेने के बाद ज़्यादातर लोग इसे मॉडिफाइड करवा देते हैं, आगे यहाँ पे लंबी सी विंडशील्ड लगवाते हैं जो कि प्रॉपर एक इन्हांस करती है इसके लुक को। यहाँ पे अगर इसके हैंडल बार पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडल साइड पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न वगैरह मिल जाता है। राइट हैंडल साइड पे अगर आप देखें तो आपको इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है। आते हैं इसके मीटर कंसोल पे, जिसको लेके मुझे 1% भी शिकायत नहीं है। इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, इस सेगमेंट के हिसाब से लगभग सब कुछ इसमें मिल जाता है आपको। अब देखिए एक बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मीटर कंसोल को लेके ये चीज़ रहती है कि दिन उजाले के समय में, मतलब जब धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो उस वक्त मीटर कंसोल कितना विजिबल रहता है। तो R15 को मैंने पर्सनली बहुत चलाया है, मुझे कहीं पे भी डे लाइट सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, ठीक है। फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 11 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ है, 11 लीटर तक आप फ्यूल भरवा सकते हैं। और फ्यूल से ही मैं आपको थोड़ा माइलेज के बारे में बता देता हूँ। तो R15 के माइलेज से मैं
बहुत खुश रहता हूँ। मैंने जब इसको राइड किया तो मुझे 40-45 का माइलेज बहुत आसानी से मिला था, और जिसमें मेरी स्पीड लगभग 80 प्लस रहती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप 60 तक की स्पीड लेके चलते हैं, एक एवरेज स्पीड में बाइक चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं, तो यकीन मानिए आप 45 प्लस का माइलेज भी इसमें गेन कर पाएंगे, ठीक है। आपके राइडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके माइलेज पे। चलिए इसके बाद हम इसके इंजन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा। लिक्विड कूलिंग होने की वजह से R15 का जो इंजन है वो ज़्यादा हीट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, होगा, लेकिन जैसे ही आप बाइक को 5 मिनट का समय दे देंगे, इसका इंजन बहुत जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। 155 यानी 155 सीसी का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 18.6 पीएस की मिलेगी लगभग 10,000 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा 14.1 न्यूटन मीटर का मिलेगा 8,500 आरपीएम पे। तो पावर और टॉर्क को लेके भी शिकायत आप नहीं कर सकते हैं। इस सेगमेंट के हिसाब से इसमें मैक्स पावर और टॉर्क मिल जाता है। 6 गियर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, तो हाईवे पे आप 6 गियर्स पे मस्त वाला मक्खन वाला स्मूथ राइड फील करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो जो सेटिंग पोस्चर है, अगर इसकी मैं बात करूं तो नो डाउट कि जो पिलियन है उनके लिए तो भैया मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी कुशनिंग स्ट्रांग रखी गई है, हार्ड रखी गई है। तो जो पीछे बैठेंगे उन्हें अपने तस्वीर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आगे बैठेंगे, जो इसे चलाएंगे, उनका जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा अग्रेसिव है। तो आप जो है R15 अगर लेते हैं तो स्टार्टिंग के 2-4 दिन जो है आपको यूज टू होना ही पड़ेगा। आपके बाजुओं में थोड़ा दर्द या तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसे चलाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। आप इसके लिए बेहचक रहिएगा। अब हम जैसे इसके रियर प्रोफाइल में फोकस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो पीछे वाला आपको डिस्क मिलता है, इसकी साइज़ लगभग 220 यानी कि 220 mm रखी गई है, और इसमें भी आप हमेशा की तरह ABS चैन आप देख पाएंगे, ठीक है। पीछे वाला जो टायर है ये काफ़ी चौड़ा है, लगभग 140/70 यानी 140/70 का है, और ये 17 यानी 17 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। रेडियल ट्यूबलेस टायर होने की वजह से रेसिंग ट्रैक पे या फिर किसी भी रोड पे ग्रिपिंग वगैरह आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। पीछे वाला जो सस्पेंशन आपको मिलता है, ये आपको मोनोक्रॉस यानी लिंक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ है, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब बारी है डायमेंशन की। इस बाइक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 1990 mm, हाइट इसकी 1135 mm, सीट हाइट 815 mm है। तो लेने से पहले आप अच्छे से टेस्ट राइड ले लीजिएगा। व्हील बेस इसका 1325 यानी कि 1325 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग 170 यानी 170 mm रखा गया है। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो 142 यानी कि 142 किलोग्राम इसका कंप्लीट वेट है। अगर आप जो है ऑयल वगैरह भरवा देंगे तो लगभग ये 142 के करीब इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बारी है इसके ऑन रोड प्राइस की। तो गौर से सुनिएगा कि लगभग 182,000 से 188,000 यानी कि 182,000 टू 188,000 में, इसी के बीच में आपको R15 V3 2021 मॉडल देखने को मिल जाएगा। आप इस चीज़ पे को ध्यान में रखिएगा कि जो ऑन रोड प्राइस है ये काफ़ी ऊपर नीचे वैरी कर सकता है, इसलिए मैंने आपको 182,000 से 188,000 के बीच का बजट बताया है। आप इसी बजट को अपना बनाकर चलिएगा, ठीक है। अगर R15 V3 का कोई नया वेरियंट आता है, नया अपडेट आता है, कोई नया एडिशन आता है, तो मे बी प्राइस जो है चेंज हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वेरियंट लगभग यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी डेविड राहुल जीआर पे आप फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।